हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से और टूडे में। आज हम डिस्कस करने वाले इंडिस टावर्स लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 2 रुपए 45 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक 1.5% से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके रखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान देते हैं, इस स्टॉक में पीछे की 1 सप्ताह के अंदर 7.5% की गिरावट देखने को मिली है, 1 महीने के अंदर 6%, परंतु 3 महीने में 8% की तेजी देखने को मिल रही है, 6 महीने में 4.5% की गिरावट, 1 साल के अंदर इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 20% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिली है। तो लॉन्ग टर्म से ही देखें तो इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, जहां पर स्टॉक के निचले लेवल पर स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो स्टॉक का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में नीचे का एक लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया 137 रुपीज। 137 रुपीज के इस स्टॉक में 2 बार सेम प्राइस टच करने के बाद स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। अब इस स्टॉक का नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 157 रुपीज। 157 रुपीज के इस स्टॉक में नीचे के एक सपोर्ट लेवल है। अगर ये स्टॉक इस प्राइस को नीचे गिरावट दिखाता है तो इस स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। जब तक ये स्टॉक इससे ऊपर रहेगा, इस स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 157 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 175 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।